हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लकी ब्लॉग। तो दोस्तों, आज मैं पहुंच चुका हूं फरीदाबाद के सूरज कुंड मेले में, क्योंकि सूरज कुंड मेला स्टार्ट हो चुका है। 3 तारीख से ये स्टार्ट हुआ था और 19 फरवरी तक ये चलेगा। तो दोस्तों, यहां पे इस बार क्या क्या खास होने वाला है वो सारी चीज मैं आपको दिखाऊंगा अंदर जाके। और बाहर ही आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैप आपको दिख रहा होगा, इसमें पूरी डिटेल बताई गई है कि कौन सी चीज कहाँ पे है, ताकि अंदर आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं, और उसके बाद चलेंगे अंदर, दिखाऊंगा कि टिकट कितने की है और पार्किंग का क्या प्राइस है। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ क्या टिकट है। तो दोस्तों, मेले में एंटर करते ही सबसे पहले आपको लेफ्ट साइड में ये देखिए, एक यहाँ पे मैप दिख रहा है, इसके ऊपर सारी चीज लिखी हुई है कि कौन सी चीज कहाँ पे है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ताकि अंदर आप कंफ्यूज ना हो। और ये देखिए, ये लिस्ट है पूरी, यहाँ पे जो गेट बनाए गए थे वो कब कब कौन सा गेट बना था, वो सारी डेट यहाँ पे लिखी हुई है, पूरा आप पढ़ सकते हैं नीचे तक। और यहाँ पे देखिए, ये वो सारे गेट हैं, उनके नंबर भी लिखे हुए हैं। और ये देखिए, कलर वाइज जोन के बारे में भी बताया गया है, जोन 1 जोन 2, उस हिसाब से आप कलर यहाँ से देख सकते हैं। और यहाँ पूरा मैप में देख सकते हैं कौन सी चीज कहाँ पे है। यहाँ देखिए दोस्तों, डेट लिखी हुई है 3 तारीख से लेके 19 फरवरी तक ये चलेगा। और अगर हम यहाँ की टाइमिंग की बात करें तो दोस्तों, यहाँ की जो टाइमिंग है वो सुबह 10 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक होने वाली है, और शाम को 6 बजे यहाँ की लास्ट एंट्री टाइम है, उसके बाद आपको यहाँ पे एंट्री नहीं मिलेगी। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम पार्किंग की बात करें तो यहाँ देखिए, पूरा काफी बड़ा सारा एरिया आपको दिख रहा होगा, ये पूरी ग्राउंड में आपको कार पार्किंग का एरिया दिख रहा होगा। तो यहाँ पे अगर आप गाड़ी से आते हैं तो आपको 200 रुपए की यहाँ पे पार्किंग लगेगी, और अगर आप बाइक से आते हैं तो 75 रुपए की पार्किंग लगेगी। और यहाँ से चलते हैं अंदर मेन गेट से अंदर, और दिखाते हैं अंदर क्या क्या खास है देखने लायक। यहाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्शन बोर्ड लगा हुआ है, कौन सी साइड कौन सी जगह है। तो आप राइट साइड में यहाँ पे दिखाया गया है कि टिकट काउंटर है, वो सामने है टिकट काउंटर, आगे जाके दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों, सामने आप देख सकते हैं टिकट खिड़की है, टिकट बूथ लिखा हुआ है, गेट नंबर 1 है इधर। और आगे चल के देखते हैं कि टिकट प्राइस क्या है। तो दोस्तों, ये है रेट लिस्ट, पूरा लिखा हुआ है यहाँ पे। ओपन कैटेगरी के लिए 120 रुपए की टिकट है ये, मंडे टू फ्राइडे, और सैटरडे संडे 180 रुपए है। बाकी पूरी लिस्ट है, आप उसमें चेक कर सकते हैं कि किसकी कितनी टिकट है। सीनियर सिटीजन के लिए 60 रुपए है, सैटरडे संडे 90 रुपए की टिकट है। यहाँ स्टूडेंट्स के लिए भी डिस्काउंट है, लेकिन आपको अपना आई कार्ड साथ लेके आना पड़ेगा। और यहाँ पे देख सकते हैं, काफी लंबी लाइनें आपको देखने को मिलेंगी, तो इन सबसे बचने के लिए आप ऑनलाइन टिकट भी बुक करवा सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है गेट नंबर 1, यहाँ से एंट्री होगी आपकी। और यहाँ पे देखिए, चेकिंग भी हो रही है सिक्योरिटी चेक के लिए। और ये है लेडीज जेंट्स की अलग अलग लाइन लगी हुई है यहाँ पे अंदर जाने के लिए। हाँ, तो दोस्तों, मेले के अंदर एंट्री मैंने कर ली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी सारी कंट्रीज के यहाँ पे स्टॉल्स लगे हुए हैं, और भी मैं आपको दिखाऊंगा कि इस साल क्या यहाँ पे खास होने वाला है, कुछ अलग है, क्या क्या चीज अलग है, वो सारी मैं आपको यहाँ पे कवर करके दिखाऊंगा, पूरी डिटेल बताऊंगा मेले के बारे में। तो दोस्तों, ये है मेले की मेन चौपाल, जहाँ पे डेली शाम को कल्चरल प्रोग्राम देखने को मिलते हैं, तो आप शाम को रुक के उनका भी आनंद ले सकते हैं। और अगर हम इसकी थीम की बात करें तो दोस्तों, स्टेट थीम है इस बार नॉर्थ ईस्टर्न। तो अगर हम यहाँ के, और इस मेले का पार्टनर नेशन है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से इसको सजाया गया है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि काफ़ी सारी कंट्रीज़ के यहाँ पर स्टॉल्स लगे हुए हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं हरियाणा के कलाकार जो कि यहाँ पे म्यूजिक बजा रहे हैं, और लोग डांस करते हैं यहाँ पे, एंजॉय करते हैं काफी। और यहाँ देखिए, अलग अलग कंट्रीज के स्टॉल्स लगे हुए हैं, और यहाँ पे देखिए काफी अच्छा हैंडीक्राफ्ट का सामान यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, अलग अलग थोड़ी सी यूनिक आइटम आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे, जो कि आप परचेज कर सकते हैं। ये देखिए, सारी डिटेल यहाँ पे लिखी हुई है। ये देखिए, वुडन का ये सामान बना हुआ है दोस्तों, काफी अच्छा बना हुआ है। और यहाँ देखिए, ये जो स्टॉल है ये दोस्तों अफगानिस्तान का स्टॉल है। यहाँ पे देखिए, पत्थर का ये सामान बना हुआ है, काफी चीजें हैं ये जो कि घर में इस्तेमाल होती हैं। ऊपर देख सकते हैं आप, अफगानिस्तान लिखा हुआ है। और यहाँ देखिए,
यहाँ देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी कुछ आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए दोस्तों कितने खूबसूरत हाथी बने हुए हैं, अफ़गानिस्तान का ये जो पत्थर है उससे ये बनाए गए हैं। यहाँ पे और भी छोटी छोटी काफ़ी सारी आइटम हैं। और ये है भूटान, भूटान का स्टॉल, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पर्स हैं, ये बैग हैं, ऊपर आप देख सकते हैं स्टॉल हैं ये, और ये ऊन का बना हुआ सामान है ये सारा। और इस साइड देखिए इधर भी बहुत सारी आइटम आपको दिख रही होंगी। नीचे आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे बुद्धा हैं, साथ में ये मुखौटे बने हुए हैं काफ़ी प्यारे प्यारे। ये जितना भी सामान है ये सारा भूटान का है, ऊपर देखिए आप लिखा भी हुआ है भूटान। यहाँ आप नीचे देख सकते हैं ये देखिए ये भी बैग है, और इसके साइड में ये देखिए लिखा हुआ है बेबी याक वूल, इससे ये जो है ये शॉल ये इससे बनाए गए हैं। 1500 रुपये का रेट है दोस्तों इसका, 1500 रुपये में आप ये शॉल यहाँ से ले जा सकते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों लिखा हुआ है युगांडा, ये वाला जो स्टॉल है ये युगांडा का है, युगांडा की ये देखिए जितनी भी आइटम है ये काफ़ी अलग अलग तरीके की आइटम आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पे। ये जिराफ हैं, हाथी हैं, ये देखिए ये वुडन का सामान है दोस्तों ये सारा। इस साइड भी देख सकते हैं काफ़ी कुछ है, इधर भी ये मुखौटे बनाए हुए हैं, इधर भी जिराफ हैं। यहाँ से चलते हैं अब आगे, ये देखिए ये है थाईलैंड, थाईलैंड का स्टॉल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वुमेन के लिए काफ़ी कुछ सामान आपको देखने को मिलेगा, कॉस्मेटिक का सामान है यहाँ पे। नीचे देखिए कपड़े की काफ़ी सारी आइटम बनाई गई हैं, ये सारी की सारी दोस्तों ये थाईलैंड की हैं। कंबोडिया, ये देखिए ये जो मुखौटे हैं ये कंबोडिया के हैं, ये पीछे भैया बना रहे हैं यहाँ पे बैठ के, हैंडमेड हैं सारे ये के सारे ये, और काफ़ी अच्छे काफ़ी बढ़िया इसको बनाया गया है अच्छे तरीके से। यहाँ पे देखिए हमारे सामने ये बना रहे हैं भैया। और ये जो स्टॉल है ये सीरिया का स्टॉल है दोस्तों, यहाँ पे देखिए आपको फैंसी लाइटें दिख रही होंगी, ऊपर देखिए लिखा हुआ है सीरिया, और ये सारी की सारी आइटम है यहाँ पे, काफ़ी यूनिक सी आइटम है यहाँ पे। ये देखिए ये धागे से बना हुआ है सारा, यहाँ पे देखिए ये भी यहाँ पे बैठ के बना रहे हैं अपने हाथ से, ये सारी की सारी जो आइटम है ये हैंडमेड है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कुछ विदेशी कलाकार यहाँ पे म्यूजिक बजा रहे हैं, और काफ़ी अच्छी धुन यहाँ पे बजाई जा रही है, इसको एंजॉय कर सकते हैं आप। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं लोग दोस्तों अलग अलग कंट्री के जो कलाकार हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं, और अपने अपने वहाँ के कल्चर अपनी संस्कृति को यहाँ पे दर्शा रहे हैं वो। तो दोस्तों इस मेले में आपको अलग अलग कंट्री का दोस्तों यहाँ पे कल्चर देखने को मिलेगा, तो जब भी आप मेले में आते हैं घूमने के लिए तो इन चीज़ों को मिस ना करें, यहाँ पे इनको एंजॉय जरूर करें, इनको देखें, इनसे मिलें, इनसे बातचीत करें, और यहाँ पे एक दूसरे का कल्चर आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों ये जो कलाकार बाहर से आते हैं ये शाम के टाइम यहाँ पे जो चौपाल है मेले की वहाँ पे इनका एक प्रोग्राम रखा जाता है, वहाँ पे आप कल्चर प्रोग्राम को मिस ना करें, डेली शाम को होता है वो। तो यहाँ पे लोग इनके साथ सेल्फी लेते हैं, इनके साथ डांस करते हैं, तो चलो मैं भी डांस करता हूँ। और ये जो कलाकार हैं ये पंजाब से आए हुए हैं, ढोल देख के ही आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि ये पंजाब से हैं, पंजाब हो और ढोल ना हो ऐसा हो नहीं सकता। यहाँ पे भी देखिए दोस्तों ये भंगड़ा वाला ग्रुप है, इनके साथ भी लोग सेल्फी ले रहे हैं। और यहाँ देखिए दोस्तों छत्तीसगढ़ का ये गेट बनाया गया है यहाँ पे, काफ़ी खूबसूरत गेट है। जब गेट नंबर एक से आप आएंगे तो सबसे पहले आपको यही दिखेगा, और इसके साइड में आप अलग अलग तरीके के स्टॉल्स देख सकते हैं जहाँ पर आपको हैंडीक्राफ्ट का सामान देखने को मिलेगा। तो चलिए यहाँ से अब चलते हैं आगे अंदर और देखते हैं और क्या क्या डिफरेंट है देखने लायक। यहाँ देखिए हरियाणवी रागनी यहाँ पे आपको सुनने को मिल रही होगी, हरियाणा के ये कलाकार हैं जो यहाँ पे रागनी गा रहे हैं। और यहाँ देखिए भीमकली टेंपल बनाया गया है, हिमाचल प्रदेश में है, जो ये देखिए हूबहू उसी तरीके का यहाँ पे ये टेंपल बनाया गया है। यहाँ पे भी बैठ के लोग फोटो वोटो खिंचवा रहे हैं, आप भी खिंचवा सकते हैं। हाँ दोस्तों देख सकते हैं कालीन आपको दिख जाएंगे, और भी वुडन का सामान आपको मिल जाएगा, जो घर में डेली यूज़ का सामान है वो भी आपको यहाँ से आराम से मिल जाएगा, और थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट तरीके के आपको यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलेंगी। ये देखिए इस वाले स्टॉल पे आपको ये देखिए मिट्टी का ये सामान बना हुआ है, जो कि चीनी मिट्टी का,
और ये काफ़ी अलग अलग डिज़ाइन में अलग अलग तरीके के ये देखिए फ्लावर पॉट वगैरह देखने को मिल रहे होंगे आपको यहाँ पे। यहाँ देखिए इस वाली स्टॉल पे आपको दोस्तों अलग अलग तरीके की पेंटिंग्स दिख रही होंगी जो कि फ्रेम करके यहाँ पे लगाई गई हैं, जो कि आपको 500 से लेके 1500 2000 तक मिल जाएंगी। ये देखिए दोस्तों सपेरे हैं जो यहाँ पे बीन बजा रहे हैं। ये जो कला है ये भारत से लुप्त होती जा रही है, लेकिन यहाँ पे आपको ये देखने को मिल सकती है आराम से। जब भी आप यहाँ पे आएंगे तो ये भी यहाँ पे आप सुन सकते हैं। ये जो स्टॉल है नाबार्ड उत्तर प्रदेश का है दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टॉल नंबर 668। यहाँ पे कालीन वगैरह आपको देखने को मिलेंगे और इनका रेट है दोस्तों 800 से लेके 1500 रुपये तक, और ये जो है ये है 350 रुपये में। दोस्तों इस वाले स्टॉल पे देखिए यहाँ पे लेडीज चप्पल लेडीज जूती आपको देखने को मिलेगी, और ये भी काफ़ी अलग डिज़ाइन में है, थोड़ी डिफरेंट टाइप की है। ये जो ऊपर वाली हैं ये सारी की सारी 400-400 रुपये में आपको यहाँ पे मिल रही हैं दोस्तों, और डिज़ाइन देखिए थोड़े से डिफरेंट दिखने वाले हैं यहाँ पे। ये देखिए डिफरेंट तरीके की है ये, और ये वाली हैं दोस्तों 300 रुपये में। ये जो आगे वाली पूरी की पूरी लाइन है ये आपको 300-300 रुपये में यहाँ पे मिल जाएगी। और दोस्तों इस वाले स्टॉल पर देखिए ये पीतल का सामान आपको दिख रहा होगा, और काफ़ी अलग अलग तरीके की डेकोरेटिव आइटम हैं जो घर में आप सजा सकते हैं घर को। देख सकते हैं आप छोटी छोटी आइटम भी हैं और काफ़ी बड़ी बड़ी आइटम भी हैं। ये देख सकते हैं आप इस वाले पे देखिए काफ़ी खूबसूरत ये वाला स्टॉल दिख रहा है। इस पर देखिए काफ़ी फैंसी लाइट आपको दिख रही होंगी, काफ़ी बढ़िया बढ़िया लग रही हैं ये, काफ़ी खूबसूरत लग रही हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे और भी डेकोरेटिव आइटम हैं बहुत सारी, और काफ़ी डिफरेंट टाइप की हैं। ये विदेशी स्टॉल है दोस्तों ये। यहाँ लिखा हुआ पाशमीना 100% प्योर अवेलेबल हेयर। जी हाँ, यहाँ पे आपको कश्मीर का पाशमीना मिल जाएगा। ऊपर देख सकते हैं कितने सारे डिज़ाइन यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, इनमें से आप पसंद कर सकते हैं। अंदर भी काफ़ी सारे डिज़ाइन लगे हुए हैं दोस्तों, और नीचे भी देख सकते हैं आप ये स्टॉल वगैरह। और यहाँ मेले में आपको रावण भी देखने को मिल जाएगा जिसके साथ लोग सेल्फी ले रहे हैं, आप भी सेल्फी ले सकते हैं। और यहाँ देखिए दोस्तों कितना लंबा आदमी। जी हाँ, आपने अक्सर मेलों में ऐसे घूमते हुए इतने लंबे आदमी को देखा होगा, यहाँ पे भी आपको ये दिख जाएगा, और लोग बच्चे काफ़ी देख के इसको खुश हो रहे हैं। तो दोस्तों मेले में जब आप आएंगे तो यहाँ पे देखिए अलग अलग जगह पे आपको ऐसी कलाकारी देखने को मिल जाएगी जो कि यहाँ पे कलाकारों ने इसको अच्छे से सजाया है। इस साइड भी आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत सा ये गेट बनाया गया है, और यहाँ देखिए ये रशिया लिखा हुआ ऊपर। ऐसी डेकोरेशन आपको जगह जगह देखने को मिल जाएगी। ये देखिए कितना बड़ा शेर है जो कि पेड़ के साथ यहाँ पे खड़ा है। आप देख सकते हैं उज़्बेकिस्तान का भी ये स्टॉल है, यहाँ पे भी आपको कपड़े देखने को मिल रहे होंगे। ये देखिए डिफरेंट टाइप के यहाँ पे कपड़े आपको देखने को मिलेंगे, ये बैग भी बने हुए हैं यहाँ पे। तो जगह जगह दोस्तों आपको यहाँ पे ये वाला स्टॉल देखिए यूएई का है ये, यहाँ पे भी काफ़ी सारी आइटम आपको मिल जाएंगी। ये देखिए सारी की सारी आपको दिखाता हूँ मैं, ये इत्र बना रहे हैं दोस्तों। और यहाँ आप देखिए हरियाणा अपना घर। जी हाँ, हरियाणा में ये मेला चल रहा है, और यहाँ पे हरियाणा का अपना घर बनाया गया है इसमें, जहाँ पे आपको हरियाणा का कल्चर देखने को मिलेगा। चलते हैं अंदर और दिखाते हैं कि अंदर क्या क्या है जो आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पे। ये देखिए ऊपर लिखा हुआ अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड क्राफ्ट मेला 2023, और यहाँ पे देखिए हुक्का कितना अच्छा है, ये काफ़ी बड़ा और डिफरेंट टाइप का ये हुक्का है। और यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है पगड़ी बंधवाओ और फ़ोटो खिंचवाओ। जी हाँ, आप भी यहाँ पे पगड़ी बंधवा के फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। ये भैया बैठे हुए हैं यहाँ पे, और अलग अलग तरीके की पगड़ियाँ पड़ी हुई हैं। हाँ देखिए, ये फैमिली फरीदाबाद से आई है मेला घूमने के लिए। यहाँ चलते हैं दोस्तों अंदर, यहाँ पे देख सकते हैं आप अलग अलग तरीके की पगड़ियाँ बांध के यहाँ पे ये मुखौटे रखे हुए हैं। और ये ओखली है दोस्तों, जिसमें मसाला और गर्म मसाले वगैरह इसमें कूटे जाते हैं।
और यहाँ देखिए काफ़ी सारा सामान आपको देखने को मिलेगा जो कि हरियाणा में गांव में घरों में यूज़ होता है दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, अंदर देखिए बैठने के लिए मूड़ा है, चारपाई है, कुर्सी है और ये हाथ से बनाई हुई चीज़ें हैं दोस्तों। इस साइड देख सकते हैं मटका है, अंदर चारपाई लगाई गई है, ऊपर पीतल के बर्तन रखे गए हैं और इसको पूरा इस तरीके से सजाया गया है, ऐसे बनाया गया है जैसे कि गांव के घर होते हैं, गांव में अक्सर आपने देखा होगा इस तरीके से। ये देखिए चारपाई है, ऊपर दरी भी छा रखी है। इस साइड भी देख सकते हैं दोस्तों, ये रही चक्की जहाँ पे आटा पीसते हैं, गेहूँ को पीस के आटा बनाया जाता है। ये देखिए संदूक है लकड़ी का, उसके ऊपर छोटा सा हुक्का रखा हुआ है जिससे आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल आप गांव के घर में आए हुए हैं। ऊपर देखिए चरखा भी है इस साइड में, यहाँ देखिए कपड़े रखे हुए हैं, इधर बैठने के लिए चारपाई है, ऊपर ये कुछ लकड़ी का सामान भी है दोस्तों। और ये देखिए यहाँ पे ऊपर कुछ सामान रखने के लिए बांध के ऐसे टांग दिया जाता था। और ये देखिए यहाँ पे एक चरखा भी रखा गया है जहाँ पे छोटे बच्चे, देखिए छोटी सी बच्ची है इसको घुमा रही है और इन्जॉय कर रही है। और इस साइड देखिए पुरानी पुरानी चीज़ें हैं जैसे कि लॉक है, और इधर देख सकते हैं आप लालटेन है जो कि पुराने ज़माने में ये सब चीज़ें यूज़ किया करते थे लोग। ये सारी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, दीवार पे लगाई हुई हैं ये। ये देखिए कितने अलग अलग तरीके की लालटेन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इस साइड देखिए दराती है दोस्तों जिससे कि फसल काटी जाती है, ये टोकरा है। यहाँ देख सकते हैं आप हरियाणा की शान, नीरज चोपड़ा जिन्होंने अभी ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, उनका कटआउट भी आपको दिख जाएगा। यहाँ ट्रैक्टर भी है, यहीं हरियाणा के कलाकार आपको डांस करते हुए भी दिख जाएंगे जो कि हरियाणवी डांस कर रहे हैं। ये देखिए 2003 में दोस्तों उत्तराखंड गेट ये बनाया गया है, बद्रीनाथ की थीम पे है, ये बद्रीनाथ मंदिर है जो उनकी थीम पे ये गेट बनाया गया है। और अंदर चल के देखते हैं दोस्तों क्या है अंदर, तो चलिए यहाँ से चलते हैं अंदर। तो दोस्तों अंदर एंटर करते ही आपको सामने भोले बाबा की ये मूर्ति दिखाई देगी, काफ़ी खूबसूरत मूर्ति है, लोग यहाँ पे भी फोटो खिंचवा रहे हैं। अंदर देखिए थोड़ा पहाड़ी वाली थीम दी गई है इसको, और ये बीचों बीच बनाई गई है शंकर जी की बहुत ही खूबसूरत मूर्ति। यहाँ देखिए दोस्तों सेल्फी विद पीएम लिखा हुआ है, आप अपने प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ यहाँ पे सेल्फी खिंचवा सकते हैं। और ये क्या प्रोसेस है यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना नाम ऐड करवाना होगा, अपना फ़ोन नंबर बताना होगा, और उसके बाद आप सामने वहाँ जाके खड़े हो जाएंगे और आपकी फ़ोटो क्लिक की जाएगी प्रधानमंत्री जी के साथ। और यहाँ दोस्तों फ़ोटो क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखिए स्क्रीन में देख सकते हैं इस तरीके से आपको दिखाई देगी फ़ोटो, बहुत ही बढ़िया लग रही है दोस्तों। मेले में जब आप आते हैं तो ये मौका ना गंवाएं, सेल्फी ज़रूर करवाएं। यहाँ दोस्तों ये देखिए झांकी निकल रही है जिसमें अपने देश के और विदेशी जो भी यहाँ पर कलाकार आ हुए हैं वो सारे के सारे लोग यहाँ पर डांस करते हुए यहाँ से जा रहे हैं। ये भी काफ़ी अच्छा यहाँ पर अनुभव है देखने के लिए, और काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे आपको ये सारी की सारी यहाँ पर अलग अलग कलाकारों की यहाँ पे परफॉर्मेंस दिखाता हूँ मैं आपको।
आप देख सकते हैं कितने अलग अलग तरीके से विदेशी कलाकार तैयार होकर आए हुए हैं। डिफरेंट तरीके का उन्होंने ये रूप धारण कर रखा है। दोस्तों इस वाली जगह पे देखिए काफी खूबसूरत आपको मोर दिखाई देगा। जी हाँ, यहाँ पे काफी अच्छा मोर बनाया गया है जो कि इस टाइम लोगों की मनपसंद जगह बन गया है। यहाँ पे लोग खड़े होकर इसके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। दोस्तों मेले के साइड में आपको एम्यूजमेंट पार्क भी दिख जाएगा जहाँ पे काफ़ी सारे झूले हैं बच्चों को एंजॉय करने के लिए। वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, उस पर कमेंट करें, अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो। चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच।